जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब बात आती है कि क्या किया जाए, इसकी बात करें क्या। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपका एग्जाम अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, पहले तो आप करिए आप आराम। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो बहुत पहले ही एग्जाम दे चुके होंगे, उनको तो बहुत आराम मिल गया होगा, लेकिन हम चलो कहते हैं कोई बात नहीं, दो तीन दिन और आराम कर लो। अब आपको करना क्या और फिर कैसे करना है वो समझिए। जैसे कि आप लोगों में से एमटीएस के कुछ लोगों ने फॉर्म भरा होगा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा ये बताइए, कितने लोगों को कमेंट में लिखिएगा। या कितने लोगों ने एएसआई, सीआरपीएफ, एएसआई और जो आपका मिनिस्ट्रियल है एससीएम, उसमें फॉर्म कितने लोगों ने भरा कमेंट में बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा जरूर, ठीक है। ये दो पोस्ट आपके लिए अभी काफी अच्छी है, इन दो में आपके लिए काफी अच्छा मौका है। जिन जिन ने फॉर्म भरा, जिन लोगों ने नहीं भरा है, वो फॉर्म अभी भर दे। अगर मौका यहाँ पे डेट जब भी देख रहे हैं, अगर उससे पहले उस टाइम पे भी चल रहा है अगर फॉर्म फिलिंग, तो आप लोग एक तो सीआरपीएफ, आप लोग यहाँ पे एएसआई और एससीएम का और एमटीएस का फॉर्म जरूर भर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है इसकी तैयारी कैसे करें। मैं आपके लिए इसके लिए आपको टाइम टाइम पे वीडियो में बताता रहूंगा कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप लोग जरूर करिए, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम अच्छा हो गया है, जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके अकॉर्डिंग, तो लोग रनिंग चालू कर दें। जिनकी देखिए, जिनका अगर एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप रनिंग ना करें, रनिंग करिए, अपने फिट के होने के लिए करिए। नॉर्मल वॉकिंग पे जाइए, थोड़ा बहुत टहलिए दौड़िए, 1-2 किलोमीटर लगभग ऐसे ही, जिससे कि अगर आपका रिजल्ट बाई चांस आ जाए, आपका भी सिलेक्शन हो गया, जैसे भी सीजीएल में रिजल्ट आया है, तब आपको ये तो नहीं लगेगा अरे तैयारी कर लेते, शायद फिर रनिंग में निकल जाएगा, ऐसा तो है ही, रनिंग में बहुत लोग निकलते हैं, ये ना सोचना रनिंग बहुत आसान है, आधे लोग रनिंग में निकल जाते हैं। तो इसलिए समझिए, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि आप लोग रनिंग में बाहर ना हो, ठीक है। तो इसलिए रनिंग की तैयारी आप लोग करिए ही, आधे नहीं तो मतलब ये समझिए एक तिहाई तो निकल ही जाते हैं दौड़ में, ठीक है। तो आप लोग दौड़ने लगी अभी से, थोड़ा बहुत सुबह जाया करिए, टहला करिए, एक आध बीच में गैप भी ले लो एक आध दिन, लेकिन दौड़ने लगो, और जिस दिन रिजल्ट आ जाए फिर तो लगातार जाओ। अब क्या है, ये एमटीएस और एएसआई के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और मैं आपके लिए एमटीएस के लिए बेहतरीन बैच लेके आने वाला हूं। 20 फरवरी को आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, ये समझ लीजिए, जब ये आप सरप्राइज देखोगे तो आप खुद कहोगे, ये मतलब नहीं सिर्फ आप जानते ना, सिर्फ क्लास लगती रहती है, क्लास तो और कोई लगाता है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जब आप देखेंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि सर ये सरप्राइज तो हमने उम्मीद नहीं की थी, और बेहतरीन आपको सरप्राइज मिलेगा, मतलब ये समझिए कि बहुत, मतलब अब क्या हम कहें, हम कहेंगे नहीं, जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये समझिए, एमटीएस के लिए अभी क्या करिए, 2-3 दिन आराम करने के बाद आप क्या करिए, जैसे आपने अभी एग्जाम दिया जीडी में, आपको लगता है मेरा यहाँ पे एग्जाम गड़बड़ हो गया इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आप मजबूत करना अभी से चालू कर दीजिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कौन सी किताब पढ़नी है, कितने पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वो मैं सब कुछ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग पहले से ये समझिए इसकी तैयारी करना चालू कर दीजिए। जो भी आपकी, जैसे मैथ अच्छा नहीं हुआ तो मैथ की तैयारी करिए, रीजनिंग अच्छी नहीं हुई तो रीजनिंग, अगर जीएस अच्छी नहीं हुई तो जीएस, इंग्लिश आपका अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश पर बहुत फोकस करना है सभी लोगों को, क्योंकि जरूरी है, इंग्लिश से आपकी मेरिट भी बनेगी, जो कट ऑफ होगी आपकी, जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी इंग्लिश से ही बनेगी, किससे बनेगी, इंग्लिश से ही बनेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज का बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। तो बस मैंने सोचा कि एक बार मैं बच्चों से रूबरू हो जाऊं, जिससे कि मैं उनको बता दूं कि किस तरीके से आपको आगे क्या करना है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, लग जाना है, और कौन से फॉर्म के लिए आपने किस में अप्लाई किया ये जरूर बताइएगा, और बेहतरीन तैयारी कराएंगे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जल्दी बैच लेके आएंगे उसके लिए, और दिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सब कुछ अभी होंगी आपके, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको 800 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक, परेशान ना होना, ना सोच लगा सर जी की कोर्स तो नहीं बेचेंगे, नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपका 7 जीडी भी दिया था, इसी प्रकार से एमटीएस में भी दूंगा, और भी सारे जितने एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में मैं आपका साथ देता रहूंगा और आपके साथ बना रहूंगा, लेकिन आपका भी प्यार मुझे चाहिए, बिना आपके प्यार और सपोर्ट के सब कुछ होना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।